सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुख सच्चा मित्र है, जब तक साथ रहता है सबक सिखाता है, जब जाता है तो सुख छोड़ जाता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को जरूर फॉलो करना। बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। आज का पंचांग 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार, भाद्र पदमास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 54 मिनट तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 3:21 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:50 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 3:26 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। मीन राशि 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार, यात्रा इस समय चिंता का कारण बन सकती है, जैसे पाचन या समान संबंधी समस्याएं आदि, इसलिए सोच समझ कर योजना बनाए और काम करें। आप आध्यात्मिक दिशा की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, इसलिए अपने उत्तरों के लिए सलाहकारों या शिक्षकों के साथ सोच समझ कर बातचीत करें। अच्छा, आपको लग सकता है कि नई योजना को शुरू करने के लिए अभी समय उचित नहीं है, इसलिए कुछ देर के लिए कार्य को स्थगित कर दें और योजना फिर से बनाएं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कार्य को केंद्रित करें। याद रखें, सच कुछ देर तक छुपाया जा सकता है किंतु इसे हराया नहीं जा सकता। आज दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी समय व्यतीत करें, इससे आपको खुशी महसूस होगी तथा पारिवारिक माहौल में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ससुराल पक्ष में कोई खुशी भरा समाचार भी मिल सकता है। करीबी व्यक्ति द्वारा आपको नीचा दिखाया जा सकता है, जिसके कारण आपके मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होगी, लेकिन आप अपनी भावनाओं को काबू में रखकर अपनी प्रगति के जरिए ही खुद की काबिलियत को साबित करने पर अधिक ध्यान देंगे। जो स्किल्स को आप सीखना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि उसके द्वारा केवल आर्थिक फायदा ही प्राप्त हो, आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी यह स्किल उत्पन्न हो सकता है। नई बातों को सीखने के प्रयत्न जारी रखें। आपके रिलेशनशिप से संबंधित जानकारी परिवार को होने के कारण उनकी नाराजगी झेलनी भी पड़ सकती है। आंखों से जुड़ी बीमारी सताएगी, सावधानियां। आज कहीं भी पैसे की लेन देन की बात ना करें, आपका पैसा फंस सकता है। युवाओं की किसी इंटरव्यू वगैरह में सफलता न मिलने से निराशा की स्थिति रहेगी, परंतु अपने अंदर सकारात्मक विचार ना पनपने दिए। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर किसी के प्यार में पागल है तो उन्हें इस बात को बताने में देर ना करें, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। आज पूरी तरह से तैयार होकर अपने लक्ष्य और मिशन पर काम करें। कोई भी समस्या आए तो निराश ना हो, अपने आप को प्रोत्साहित करने और सफलता हासिल करने के लिए यह समय बढ़िया है। इस अहम मौके पर अपने साथी की भी सलाह लेना ना भूलें और दोनों मिलकर सफलता का मजा लें। बात करते हैं करियर की। आज व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपना ध्यान किसी विदेश यात्रा या अपने शौक पूरा करने की तरफ केंद्रित करें। धन में नुकसान या लेन देन में देरी से आपको हानि पहुंच सकती है। करियर में परिवर्तन भी आपकी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन सोच समझ कर निर्णय लें। आप नए प्रोजेक्ट शुरू करने के इच्छुक हैं, अंतरात्मा की सुने और अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करके ही निर्णय लें।
यह समय उदास होने का नहीं है। तैयार हो जाएं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ें। अगले कुछ दिनों में आपको हर कार्य में सफलता भी मिलेगी। याद रखें, हर सफलता के रास्ते का एक पड़ाव है। बिजनेस संबंधित कोई भी काम या पैसे का लेन देन करते समय भी उचित पेपर वर्क अवश्य करिए, क्योंकि इस समय पारदर्शिता बनाकर रखना अति आवश्यक है। किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि न लें, क्योंकि कोई इंक्वायरी आदि भी हो सकती है। बात करती है सेहत की। पेट दर्द और गैस की वजह से परेशान रहेंगे। परंपरागत इलाज लेने से जल्दी स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आंखों से संबंधित इन्फेक्शन या आंखों से जुड़ी बीमारी भी सताएगी। आज का उपाय, आज अब गरीबों को काले कपड़े का दान करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।